यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। प्रदेश में कांग्रेस ये अगर कोई उतारता है या कोई उस तरह का समर्थन करता है तो ये व्यक्तिगत समर्थन। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बड़ी बात में आज बड़ी बहस करेंगे हरियाणा कांग्रेस को लेकर, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से आंतरिक कलह खुलकर सामने आ गई है। हरियाणा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने इस बार सिंबल पर नगर निगम चुनाव लड़ने से मना किया है। हर बार का हवाला दिया गया है कि पिछले 50 सालों में कभी भी हरियाणा कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन नगर निगम चुनाव को लेकर ही जो हरियाणा कांग्रेस की आंतरिक कलह है वो खुलकर सामने आ गई है। अशोक तंवर ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर एक बार फिर से निशाना साधा। ये अगर कोई उतारता है या कोई उस तरह का समर्थन करता है तो ये व्यक्तिगत समर्थन। तो हरियाणा की सियासत में अब जंग का ऐलान भी हो चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के विधायक ने हरियाणा में हुड्डा को ही कांग्रेस बताया है, जबकि अशोक तंवर ने इसे निजी फैसला बताया। रिपोर्ट देखिए। रोहतक में और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस है तो भूपेंद्र सिंह। ये अगर कोई उतारता है या कोई उस तरह का समर्थन करता है तो ये व्यक्तिगत समर्थन। ये तो ट्रेलर था, अगले कुछ सेकंड्स में आपको पूरी फिल्म दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक इंट्रोडक्शन आपको दे दें। दरअसल निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पर चुनाव न लड़ने का फैसला किया। फैसले का हवाला इतिहास को दिया गया। बताया गया कि कांग्रेस ने इतिहास में कभी भी हरियाणा में निगम चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा। खैर, अब कांग्रेस का फैसला है तो इसमें हम और आप कितने भी तर्क दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के जीत के तर्क पर भी गौर नहीं किया गया। इसके बाद लगा कि निगम चुनाव में कांग्रेस शांत बैठ जाएगी, पर लगता है सबसे ज्यादा अशांति इसी पार्टी में हो रही है। चलिए अब शॉर्टकट में आपको सब कुछ बता देते हैं। दरअसल हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस निर्णय के साथ थे कि सिंबल पर चुनाव न लड़ा जाए, लेकिन अब लगता है कि जैसे हुड्डा साहब बीजेपी इनेलो के प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार को देखकर खुद भी लोकसभा चुनाव का प्रैक्टिस मैच खेलना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने अपने कुछ खिलाड़ियों को चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। अब चुपके से काम होता तो चल जाता, लेकिन सियासत के खिलाड़ी कोच साहब यानी हुड्डा साहब जब अपने नजदीकी के साथ उनका नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे तो बात साइकिल पर राफेल रखने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर तक भी पहुंच गए। फैसला ताजा था, मंजूर ना मंजूर था तो कह दिया, जो करें सो करें, कांग्रेस का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। पार्टी ने स्पष्ट तौर पर ये फैसला लिया था कि हमारा, क्योंकि सारे जो उम्मीदवार हैं, यहाँ का उदाहरण दिया गया था कि 32 है, ये कह रहे हैं कि 43 उम्मीदवार थे, और यही बात हुई थी कि ये जो उम्मीदवार हैं ये स्थानीय लोग मिलकर के उसको फैसला करेंगे, कोई इसमें पार्टी का वो नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर कोई भी कहीं भी कर सकता है। इसके साथ ही अशोक तंवर ने हुड्डा को आईना दिखाते हुए ये कह दिया कि मामले पर पार्टी संज्ञान लेगी। ये पूरा तरीके से अनुचित है और मैं समझता हूँ कि इसका संज्ञान कांग्रेस पार्टी लेगी। अब बात ही ऐसी थी तो चुभनी भी थी। जाहिर है हुड्डा साहब तक तो बयान का असर गया ही होगा, क्योंकि उनके समर्थकों में गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा और कह दिया, इन हरियाणा हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हुड्डा। हिंदी अनुवाद आप दांगी साहब से ही सुन लीजिए। बात यह है, कांग्रेस का प्रत्याशी तो तब बने ना, हम सिंबल से लड़े, ये कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है अपने कैंडिडेट को, सीताराम के साथ हम खड़े हैं और डट करके खड़े रहेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब देखो, इसमें पॉलिटिकल बातें हम ज़्यादा नहीं करना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ही यहाँ पर सब कुछ है, रोहतक में और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दूसरी कोई बात बनती नहीं। और उनका आशीर्वाद सीताराम जी के साथ। पिछले कुछ सालों में गुटबाजी शब्द को अच्छे से घिसा गया है, इतना घिसा गया है कि अब शब्द को नया आविष्कार देने का समय आ चुका है, लेकिन इतना सोचने का समय मिलता ही कहाँ है, फिर से गुटबाजी सामने आ जाती है।
हालांकि अशोक तंवर साहब हमेशा की तरह इससे भी इनकार करते हैं। इसको नहीं कह सकते, ये मतभेद हो सकता है, ये जो विचार है उसका मतभेद हो सकता है। कमल कौशिक के साथ स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक। तो हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी किसी से भी छुपी नहीं है। जब सिंबल पर चुनाव लड़ना है या फिर नहीं, जब ये बहस चल रखी थी, चर्चाएं हो रखी थी, उस वक्त भी गुटबाजी सामने आई थी। बड़े नेताओं की अलग अलग राय थी। अब जब पार्टी की ओर से डिसाइड किया जा चुका है, पार्टी हाईकमान की ओर से फैसला लिया जा चुका है कि हरियाणा कांग्रेस हर बार की तरह इस बार भी सिंबल पर नगर निगम चुनाव नहीं लड़ेगी, उसके बाद भी गुटबाजी सामने आई है। लेकिन सबसे दिलचस्प और बड़ी बात यह है जो कि आनंद सिंह दांगी की ओर से कही गई कि हरियाणा कांग्रेस का मतलब ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, रोहतक में कांग्रेस का मतलब ही भूपेंद्र सिंह। तो इस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बात में बड़ी बहस करेंगे। एक खास पैनल मेरे साथ है, हरियाणा कांग्रेस की ओर से हमारे साथ कुलदीप सोनी जी हैं, आप अशोक तंवर के समर्थक माने जाते हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेता विजय रैना जी हमारे साथ हैं, आप हुड्डा समर्थक माने जाते हैं। और बीजेपी से प्रवक्ता राजेश गुर्जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता इनेलू रविंद्र ढोल साहब हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जाधवन साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सभी का स्वागत है इस चर्चा में। सोनी साहब, क्या लगता है, क्या पूरे ही मामले में अशोक तंवर की चली नहीं है नगर निगम चुनाव को लेकर? नहीं, देखिए, सारी पार्टी का सर्वमान्य फैसला था। ये जो नेता आज हरियाणा में अपने समर्पित कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं, दिल्ली में इन्होंने जब पीसी चाकू जी के यहाँ मीटिंग थी, उस मीटिंग में कहा कि एक एक जगह पे 50-50 कैंडिडेट है, हम किसको समर्थन देंगे, किसको चिन्हे देंगे, पार्टी चिन्हे देंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। और आज वही लोग एक एक आदमी को यहाँ कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं। और जैसे तंवर साहब ने कहा, अगर ये कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो कांग्रेस अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाती। पार्टी हाईकमान का फैसला है कि पहले भी हमने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े और आगे भी अभी इस बार भी हम सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई अधिकार नहीं कि वो किसी को समर्थन दें? उनका समर्थन वो उनका निजी फैसला है, वो उनका निजी फैसला है। समर्थन कोई किसी को भी दे सकता है, लेकिन ये कांग्रेस का समर्थन नहीं है। जैसे डॉक्टर अशोक तंवर जी ने बताया, कांग्रेस का समर्थन तो अभी कांग्रेस पार्टी चेक करेगी कि उसकी विचारधारा क्या है, वो बंदा कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, कांग्रेसी है नहीं है। अभी आज समय ये है कि हमें ये बीजेपी और इनेलो के खिलाफ जो जातिवाद ताकते हैं, इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट, हमारे समर्पित कैंडिडेट कैसे मैदान में आए और कैसे जीते। अगर ये यही चुनाव पार्टी चिन्हे पे होते तो आज मौका था, ये 7 की 7 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। आप एक बार कहते हैं कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा समर्थित उम्मीदवार मैदान में आए, भूपेंद्र हुड्डा समर्थन देते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि ये संज्ञान हाईकमान लेगा इस पर, अशोक तंवर कहते हैं। नहीं, ये तो अब हुड्डा साहब और इन सब ने कहा था कि पार्टी चिन्ह पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और आज ये अपना समर्थन कर रहे हैं। अगर अपना पब्लिकली जाके सबका, पार्टी ने कार्यकर्ताओं पे छोड़ा है सारे के सारे, रोहतक में और भी कार्यकर्ता है, और भी नेता है, सबसे मिलजुल के ही समर्थन दिया जाएगा। विजय रहना चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई अधिकार नहीं कि वो किसी को समर्थन दे हरियाणा कांग्रेस की ओर से? देखिए, सबसे पहले कहीं पे भी निजी समर्थन की कोई बात नहीं है। ये कोई निजी समर्थन नहीं है जो हुड्डा साहब ने, या आप बोल रहे हैं हुड्डा साहब ने ये समर्थन किया, ये एक सामूहिक समर्थन है जिसमें तकरीबन 35 से 40 लोग, जिसमें हमारे विधायक, करंट MLA, एक्स विधायक, MP सब लोग मौजूद थे। और वहाँ पे एक सर्वसम्मति से जो डिसीजन हुआ, तो वो अब वहाँ पे कुछ लोग ऐसा माना जा रहा है कि वो लोग हुड्डा समर्थक थे, इसलिए वो ये शक्ल दी जा रही है कि ये हुड्डा समर्थन है। ऐसा नहीं है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो अच्छा था वो किया गया। जी, ये हरियाणा कांग्रेस का समर्थन था या फिर शकुंतला खटक का, आनंद सिंह दांगी का, कृष्णमूर्ति हुड्डा और कुल मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन था? देखिए, ये सामूहिक समर्थन था, जो आपने नाम लिए उनका भी समर्थन था, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्थन था और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो उचित नाम उनको लगा उसमें उन्होंने समर्थन किया। हरियाणा कांग्रेस का समर्थन था रैना साहब या फिर नहीं था, सीधा जवाब दीजिए ना। देखिए, कहीं ना कहीं आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसमें हरियाणा कांग्रेस का भी समर्थन होगा, क्योंकि ये आज नहीं तो कल ये चीज हरियाणा में कांग्रेस के लिए बहुत बलशाली होने वाली है, क्योंकि जो आज ये नाम को लाया गया है वो नाम जीत के जब बाहर आएगा तो उसमें फायदा किसको है? कांग्रेस को फायदा है। यानी आज ये हरियाणा कांग्रेस का समर्थन नहीं था तो कहीं ना कहीं क्या होता है सर? देखिए, ये आप इसको इस तरह की शक्ल दे रहे हैं, कांग्रेस और तंवर और हुड्डा जी, ऐसा नहीं है। ये एक सामूहिक समर्थन था जिसमें आप इनको हुड्डा जी और वर्सेस तंवर साहब बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबका समर्थन है चाहेंगे रहना साहब, कोई एक अच्छा कारण बताइए कि हम बनाना चाहते हैं। आप क्या अशोक तंवर ये कहते हैं कि हाईकमान के संज्ञान में इस मामले को पहुंचाएंगे? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये निजी फैसला हो सकता है, वो खुद सिंबल पर चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं, उनकी अपनी राय रखती है।
देखिए ये पार्टी का समर्थन देने चले जाती है, पार्टी का सामूहिक डिसीजन था, उनको इस बात से आपत्ति है। ये सामूहिक समर्थन कहां से हो गया फिर? ये सामूहिक समर्थन ही है जी, जहां पे सब एमएलए हैं, एक्स एमपी हैं, करंट विधायक हैं, ये सामूहिक समर्थन अगर विधायक हैं और सांसद हैं जो कि आज हरियाणा कांग्रेस का मुखिया डॉक्टर अशोक तंवर जी है, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष पिछले 4.5 से डॉक्टर अशोक तंवर जी है। जहां डॉक्टर अशोक तंवर जी जाएंगे, जहां डॉक्टर अशोक तंवर जी समर्थन करेंगे, वो कांग्रेस का समर्थन होगा, कांग्रेस का मुखिया जहां समर्थन करेगा, बाकी ये जो समर्थन है ये निजी समर्थन है। रेणा साहब बताइए। देखिए हर इंसान की अपनी सोच है और तंवर साहब की अपनी एक सोच है, बट आप देखेंगे तंवर साहब की सोच पे अगर आप लोग जोर लगाते हैं तो तंवर साहब ने तो कहा था पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़े, सब लोग उदास थे, अगर पार्टी चुनाव लड़ती तो आज हमारी हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है जो जीत के वापस आने वाला है। सोनी साहब देखिए पहली नजर में ऐसा क्यों लगता है कि अशोक तंवर साहब की कम चल रही है हरियाणा कांग्रेस में, वो सिंबल पर चुनाव लड़ने की कहते हैं कि ऐसा होता नहीं, उसके बाद समर्थन देने को इनकार करते हैं इस बात को कि हुड्डा समर्थन नहीं दे सकते, वो निजी फैसला है, उसको लेकर हुड्डा समर्थित जो लोग हैं उनका कहना है कि हरियाणा कांग्रेस मतलब हुड्डा की है, इसके अलावा हरियाणा में कांग्रेस ने की है भूपेंद्र हुड्डा के अलावा। आज के टाइम में तो हरियाणा कांग्रेस डॉक्टर अशोक तंवर ही है, कांग्रेस के मुखिया हरियाणा के डॉक्टर अशोक तंवर जी है, और चलने चलाने वाली बात आप कहते हो, ये पार्टी का जो है ना सामूहिक फैसला होता है, जहां पार्टी डॉक्टर अशोक तंवर जी भी कोई अपना निजी फैसला नहीं लेते, सामूहिक फैसला होता है। हरियाणा के सारे नेताओं ने बैठ के और जो पीसी चाकू जी प्रभारी लगाए थे इसके लिए सबने बैठ के सामूहिक फैसला किया कि पार्टी चिन्हे पे चुनाव नहीं लड़ेगी, नहीं लड़ेगी तो डॉक्टर अशोक तंवर जी ने भी माने। राजेश गौड़ जी बाकी पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ रखी है, बीजेपी की बात करें, इनेलो बीएसपी की बात करें, लेकिन हरियाणा कांग्रेस आपस में ही चुनाव लड़ रखी है कि हरियाणा कांग्रेस का चेहरा कौन है हरियाणा में? देखिए बड़ा आश्चर्य होता है जब बात दोनों जो अलग अलग गुटों के जो प्रवक्ता बैठे हैं बात करते हैं संगठन की, अगर संगठन की बात होती तो आप ये देखिए जब इन्होंने फैसला किया कि पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी, उसके बाद इकबाल भुकन जी ने एक जारी किया वीडियो कि नहीं जी पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ जो पहले जो संगठन ने बैठकर फैसला किया, 4-5 लीडरों ने बैठकर फैसला किया कि इस पे नहीं लड़ना चाहिए, उनके लिए सर्वोपरि नहीं था, लेकिन भाजपा में संगठन सर्वोपरि है, कार्यकर्ता उसके बाद है, इसी कारण कि भाजपा के अंदर पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। आप इनमें से इन कार्यकर्ताओं से क्या कांग्रेस में आने वाले समय में इनमें से आम कार्यकर्ता कोई मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं। एक तरफ जो सोनी जी कहते हैं कि अशोक तंवर जी ही दूसरी कांग्रेस है, फिर संगठन की बात कहां रही, कहां बैठकर ये फैसला लिया गया? और दूसरी तरफ अगर आप आनंद सिंह डांगी जी जो इतने बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस का दूसरा नाम हुड्डा है, 1996 में कांग्रेस का दूसरा नाम भजनलाल था, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस कोई नाम नहीं है, ये तो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत लोगों की परिक्रमा करके आप कहीं भी पहुंच सकते हैं कांग्रेस के अंदर, लेकिन अगर संगठन की बात करेंगे तो आप पूरे देश और प्रदेश में मोदी मोदी कर रहे हो, आपकी पार्टी कर रही है देश और प्रदेश में मोदी जी के अलावा, मोदी जी की नहीं कर रहे, मोदी जी भाजपा का एक चेहरा, भाजपा प्रमुख है, अगर ऐसा होता मोदी जी के आप कर रहे हो, हम कैसे कर रहे हैं आप बताएं? भाजपा संगठन है, भाजपा पार्टी जो फैसला, आप सिंबल पे लड़ रही है चुनाव, आप सिंबल पे नहीं लड़ते चुनाव, आप भाजपा तो 1980 से लड़ रही है, शुरू से पंचकुला के चुनाव मौलाना साहब के टाइम में आपने पार्टी सिंबल पर आप नहीं लड़ते, कोई आपकी नीति है? आप कभी लड़ते कभी नहीं लड़ते, जो आप बात करते हैं आपने जो नहीं है, आप सारे के सारे कैंडिडेट सर्वोपरि है, राजीव गुप्ता नहीं जा रहे आपसे, उसके बाद हुड्डा साहब कहते नहीं, आप चुनाव लड़ाओ, संतोष जी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चुनाव लड़ाइए, 5-7 जो उनके खास हैं वो बैठ कर ये डिसाइड करते हैं, कहां अशोक तंवर जी की बात सुनी जाती है आप बताइए? अशोक तंवर जी हरियाणा के अध्यक्ष है, अरे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हैं, पारिवारिक चुनाव लड़ रहे हैं, नीचे से उठ के हरियाणा के, आप पारिवारिक चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टी का चुनाव लड़ रहे हैं? पार्टी का चुनाव लड़ रहे होते तो अशोक तंवर जी की बात मानते, आपके पास नहीं हुड्डा साहब ने, आपके पास मुख्यमंत्री है, आपने कैंडिडेट मुख्यमंत्री अपना अपना कैंडिडेट लेकर आ रहे रोहतक में, आप पूर्व मुख्यमंत्री आप अपना खुद का कैंडिडेट लेके आ रहे हैं, आपकी कांग्रेस में परिवारवाद है, चौधरी भजनलाल जी थे तो उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी आए, दीपेंद्र राजेश गुड़ जी आपका जवाब आ गया सर, अब डॉक्टर अशोक तंवर जी कहाँ परिवारवाद है, उनके कौन से फादर हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, कुछ रहे, एमएलए एमपी रहे, बिल्कुल आम परिवार से आए डॉक्टर अशोक तंवर जी, आप कह रहे हो परिवारवाद है?
सुनेंगे अभी रविंद्र ढोल साहब। कई बार हमने हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर चर्चा की, इस बार नगर निगम के चुनाव हैं, बाकी पार्टियां लगी हैं कि जीतना के दावेदारियां भी हैं और हरियाणा कांग्रेस में ये दावेदारियां हैं बस कि किसकी चल रही है और किसकी चलती है, बड़ा नेता कौन है। देखिए एक बात को स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि जो हमने दावा किया था शुरुआत में कि कांग्रेस इस चुनाव से भागेगी, इस चुनाव से कांग्रेस भाग गई, अगर नहीं भागना होता तो ये निश्चित रूप से सिंबल पे लड़ने का काम करते। हालांकि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने, मैं मानता हूँ कि कोशिश तो की, उनकी जितनी भी स्टेटमेंट्स आई पब्लिक में उन्होंने हर जगह कहा कि सिंबल पे लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक गुट जो ये लगातार कहता रहा कि हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, मतलब एक प्रकार से इन्होंने यहाँ पे प्रयास किया कि ये दिखाने के लिए कि जो व्यक्ति वहां पर चुन करके आएगा उसके पीछे जो है कांग्रेस का ठप्पा लगा करके आप उसको कांग्रेस का उम्मीदवार बताने का काम करेंगे। तो आज के दिन में भी जो ये सिस्टम जो यहाँ पर रोहतक में चला हुआ है वो बिल्कुल स्पष्ट उसके निर्देश जिस प्रकार के, देखिए वैसे तो ये जब कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ रही है तो ये मामला ही यहाँ पे समाप्त हो जाता है कि कौन वहां पर खड़ा हो रहा है कौन नहीं खड़ा हो रहा है। समस्या कहाँ आती है, जब हुड्डा साहब एक कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, समर्थन देते हैं, तो उसके बाद में जिस प्रकार के बयान आते हैं वो ये इस प्रकार के कारण हुड्डा साहब की तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी कहीं ना कहीं जो है ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि चलती किसकी ज्यादा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वरना जब कांग्रेस लड़ ही नहीं रही है तो ये मुद्दा वैसे ही समाप्त हो जाना चाहिए था, ये बयानबाजी चल क्यों रही है। सॉरी साहब, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कुछ भी करते हैं लेकिन विधायक ये बोल देते हैं सर कि हरियाणा कांग्रेस का मतलब तो हुड्डा की है। इससे पहले भी गीता भोकल की बात कर लें, कुलदीप शर्मा की हम बात कर लें, शकुंतला खटक की हम बात कर लें, करण दलाल की हम बात कर लें, साफ कहा गया कि 2019 में भूपेंद्र हुड्डा को ही कमान सौंपनी होगी हरियाणा कांग्रेस की जीत के लिए। ऐसा नहीं है, पार्टी का फैसला पार्टी हाईकमान करती है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी है, ये उनका फैसला है कि डॉक्टर अशोक तंवर जी हरियाणा के अध्यक्ष है और डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा और डॉक्टर अशोक तंवर ही जो आज जो कांग्रेस पार्टी की जो आज ये प्रदेश के अंदर लहर चल रही है जहां 30-30 40-40 कैंडिडेट अगर कांग्रेस पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं, कांग्रेस की चिन्हे पे चुनाव लड़ने के इच्छुक हो रहे हैं, वो अशोक तंवर की देन है। चाहे वो साइकिल यात्रा लगा लो, चाहे पैदल यात्रा लगा लो, जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी जमीनी सत्र पे लोगों को, नए नए लोगों को पार्टी में जोड़ रहे हैं, उसी की हवा से आज सरकार की तरफ कांग्रेस पार्टी जा रही है। अशोक तंवर के साथ है लेकिन अशोक तंवर जब ये कहते हैं कि हमें सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए, जनता हमारे साथ थे, इस बात पर विश्वास नहीं हाईकमान को? नहीं, ये फैसला हाईकमान ने करना होता है। डॉक्टर अशोक तंवर जी ने अपनी बात रखी तो हाईकमान ने जो फैसला करना होता है। इन्होंने अपनी बात रखी, दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी बात रखी, कुलदीप बिश्नोई ने अपनी बात रखी, पार्टी में कोई हमारी पार्टी को कुल मिलाकर अशोक तंवर की फिर सुनी नहीं कोई हमारी पार्टी को ताना। अध्यक्ष मीडिया के सामने कई बार कह चुके हैं सर कि सिंबल पर की चुनाव लड़ेंगे, इस बात की सिफारिश भी की जाएगी। ताना सा रवैया थोड़ी होता है कि एक आदमी की मानी जाए, पार्टी हाईकमान है, पार्टी हाईकमान सब सोच समझ के निर्णय लेती है। और डॉक्टर अशोक तंवर जी की क्यों नहीं मान रहे, डॉक्टर अशोक तंवर जी अध्यक्ष है, कल चाहे वो मीडिया पैनलिस्ट की बात है, आज आए लिस्ट आई जो भी आ रही डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में आ रही है हरियाणा के अंदर, और जो भी लिस्ट आ रही है कुछ भी हो रहा है डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में हो रहा है, और इससे ज्यादा क्या मानेगी पार्टी। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है, पूरे की पूरी कमान, पूरे हरियाणा की कमान डॉक्टर अशोक तंवर को दे रखी है और डॉक्टर अशोक तंवर जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पार्टी के साथ नए लोगों को जोड़ रहे हैं। जाधौन साहब क्या लगता है अशोक तंवर का जो फिलहाल स्टैंड है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो समर्थन दिया गया उसको लेकर, कि हाईकमान के संज्ञान में इस मामले को पहुंचाएंगे और कोशिश ये रखेंगे कि एक्शन लिया जाए इस पर? देखिए तंवर साहब पहले से कांग्रेस में एक ट्रेडिशन सी हो गई थी कि वो लोकल बॉडीज के चुनाव जो है पार्टी चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ रहे थे पहले से। अब कांग्रेस के ट्रेंड को बदलने के लिए अशोक तंवर जी को बड़ी ताकत लगाने की जरूरत थी, वो कोई अपने स्तर पर फैसला करने से पहले उनको हाईकमान को विश्वास में लेना चाहिए। लेकिन बस ये है कि उन्होंने अपने स्तर पर ऐलान कर दिया, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से उसका काउंटर आ गया कि हम चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे। बात आला कमान के पास पहुंची, उन्होंने कमेटी बना दी, कमेटी में लॉबिंग हो गई और फैसला उन्होंने अपने फेवर में करवा लिया। तो अब ये है कि ये ठीक ही है कि अगर आप सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो फिर वो पार्टी का कैंडिडेट तो नहीं रह गया, ये तो सिद्धांतिक रूप से मानना ही पड़ेगा कि ये पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, वो निजी स्तर पर ही है कि किसी नेता का समर्थन है उसको, किसी का अपना एक अपने लेवल पर समर्थन है, तो उसको ये नहीं आप तय कर सकते कि ये पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार है और पूरी पार्टी उसके साथ एकजुट है, ये जरूरी नहीं है। जब आपने जो है सिंबल पर नहीं लड़ने का ऑफिशियली फैसला कर लिया है तो सिंबल का तो कोई संबंध ही नहीं रह गया उससे, और सिंबल का संबंध नहीं है तो फिर पार्टी का संबंध भी कैसे? बिल्कुल ये है। अब ये ठीक है कि एक स्वतंत्र रूप से उनको व्यक्तिगत तौर पर समर्थन देने का अधिकार भी है, उसको भी चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर ही कर रहे हैं वो, ये जो है अघोषित रूप से कर रहे हैं। अब ये एक मैसेज जरूर हो सकता है
कि ये कांग्रेस के बड़े नेता का समर्थन है तो ये कांग्रेस के कैंडिडेट हो गए, लेकिन ऑफिशियली तो उसको नहीं कह सकते ना, तकनीकी संबंध नहीं है उसका, तकनीकी तौर पर वो जो है उसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं। देखिए जिस तरह से हम आज की डिस्कशन में समर्थन और बाहर का समर्थन, या हुड्डा साहब ने डिसीजन अपने फेवर में करवा लिया कमेटी से, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाईकमांड ने मेरिट्स डीमेरिट्स देखी, एक बहुत बड़ा संगठन है कांग्रेस पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है, उन्होंने मेरिट्स डीमेरिट्स के ऊपर में ये डिसीजन लिया कि हम विदाउट सिंबल इलेक्शन लड़ेंगे, जिसका हमें बेनिफिट होगा, ठीक है ना। और उसके ऊपर में जो आज की डिस्कशन है, हुड्डा साहब 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये एक सामूहिक डिसीजन जो लिया गया, आने वाले समय में इसका कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा होगा। चलो आपकी बात का एक जवाब देना चाहूंगा मैं कि अगर उन्होंने मेरिट डीमेरिट देखे हैं तो क्या उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष ऑफिशियली नियुक्त किया है उसकी बात का विश्वास नहीं था उनको, या उसको ये माना गया कि उसकी जो बात थी, उसकी जो राय थी, उसमें कोई मेरिट नहीं थी? नहीं देखिए, ये देखिए, ये हाईकमान की तरफ से, और अगर उसमें मेरिट नहीं है तो उसको प्रदेश अध्यक्ष पद पर आपने रखा क्यों? मैं नहीं कह रहा डॉक्टर अशोक तंवर की बात में मेरिट नहीं है, वो मैं कोई नहीं होता उनके ऊपर टिप्पणी करने वाला। अशोक, जैसे आपने ही बोला कि शायद उनको इस चीज के लिए हाईकमान को कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए था, उसके बाद घोषणा कर लेना चाहिए, शायद उन्होंने घोषणा पहले कर दी, अध्यक्ष उसके बाद उनकी व्यक्तिगत राय अलग है, वो बतौर प्रदेशाध्यक्ष की बात कर रहे हो, डॉक्टर अशोक तंवर के सामने आएंगे, जब मीडिया के सामने आकर कहेंगे कि हरियाणा कांग्रेस की ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, रहेगी तो हाईकमान से, हाईकमान की अशोक तंवर की व्यक्तिगत राय है, वो सुना रखी गया फिर उस बात को नहीं सुना, उन्होंने अपने रखे, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी बात हाईकमान में रखी। यहाँ पार्टी का एक सिस्टम है, यहाँ हाईकमान से सिस्टम चलता है, पार्टी का कोई निजी फैसला कोई नहीं ले सकता, यहाँ हाईकमान का फैसला चलता है। पार्टी ने सब नेताओं को बुला के, राहुल गांधी जी ने ड्यूटी लगाई थी पीसी चाकू जी की, और पीसी चाकू जी ने सबके विचार सुने, सबकी बात सुनी, इन्होंने जो विचार रखे थे पांच छह दिन पहले, तो विचार ये रखे कि पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़वाएगी, और आज ये अपने अपने समर्पित कैंडिडेट मैदान में उतार रहे हैं। ये थोड़ा सा मामला जो है ना कंट्राडिक्ट हो रहा है कि अगर उतारने थे हमने कैंडिडेट तो पार्टी चिन्ह पे उतारते और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता। आने वाले चाहे बाकी जींद का उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, पार्टी को उसका फायदा मिलना था, क्योंकि आज लहर हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की है, आज चाहे वो बीजेपी की है बात है, चाहे बीजेपी का नो कोस तक कोई दाना नहीं, इनेलो टूट चुकी है कि सिंबल पर चुनाव लड़ते तो फायदा होता, लेकिन पार्टी को फायदा होता, लोग राजी नहीं कर पाए, मना नहीं पाए, होता है कई बार, हर बात कोई परिवार में कई बातें नहीं मानी जाती, कई बार मान ली जाती, कोई होता नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं मना पाए, ये तो परिवार की बात है, सब बैठ के जब जो डिसीजन लिया गया तंवर साहब ने माने। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूपेंद्र हुड्डा के खेमे से आप माने जाते हैं, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बात में। अभी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो सीताराम सचदेवा को मेयर पद के लिए समर्थन दिया गया है उसको लेकर अशोक तंवर कहते हैं कि हरियाणा कांग्रेस का समर्थन नहीं है, ये व्यक्तिगत समर्थन हो सकता है, और हाईकमान को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरह से समर्थन दे रखे हैं लोगों को। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 4 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, और आज वो हरियाणा के सबसे बड़े कद्दावर नेता है सभी पार्टियों के जी। तो उन्होंने अगर कोई फैसला लिया है बीजेपी को रोकने के लिए तो वो कोई गलत बात नहीं है। हाँ, और मैं ज्यादा समझता हूं कि रोहतक में हम बीजेपी को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, और हमने सशक्त कैंडिडेट का समर्थन किया है जी। मैं भी उस टीम में था जिसने फैसला लिया है, और हुड्डा साहब ने हमारी बात पे मोहर लगा दी जी। तो मैं समझता हूं कि हमारा सबका एक ही दायित्व होना चाहिए कि किसी तरह बीजेपी को और इंडियन नेशनल लोकदल को जी हम आगे ना बढ़ने दें, और तो सिंबल पर लड़ लेते ना हुड्डा साहब, आगे लेते हैं सिंबल पर चुनाव लड़ लेते। अशोक तंवर की ओर से भी बार बार कहा गया कि सिंबल पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए सर्वसम्मति से 6 शीर्ष नेताओं ने फैसला किया था जी, उसमें अगर कोई ये कहे कि मैंने नहीं कहा, उस समय सर्वसम्मति से फैसला हुआ था। हाँ, तो सर्वसम्मति से फैसला हुआ उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करने मैं नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो समर्थन दिया गया ये भूपेंद्र हुड्डा का समर्थन है या हरियाणा कांग्रेस का, ये क्लियर कर दीजिए। देखिए ये तमाम हरियाणा के जो रोहतक मेयर का जो क्षेत्र है उसके तमाम सीनियर लीडरों ने बैठ के ये फैसला लिया है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का समर्थन नहीं माना जाए, या तो हमें कांग्रेस ही ना माने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ही ना माने,
अगर भूपेंद्र हुड्डा राज्य के 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो उनसे बड़ा कांग्रेसी कौन हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का जवाब लेंगे। जो कुछ उन्होंने किया है वो ठीक किया है। या तो भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस में लाएंगे, उनसे बड़ा कांग्रेस में नेता कौन हो सकता है? भूपेंद्र हुड्डा से बड़ा हरियाणा कांग्रेस में कौन नेता हो सकता है? अभी सुना आपने, जवाब दीजिए। ये तो आज हरियाणा कांग्रेस में जो कांग्रेस के प्रधान है वही है कांग्रेस के नेता, और कांग्रेस की सर्वोपरि नेता उन्हीं के अध्यक्षता में ही चुनाव होने थे। और ये जो सिंबल की बात कह रहे हैं, भी हमने सर्वमान्य सिंबल पे चुनाव पार्टी की तरफ से लड़वाना चाह रहे हैं, तो इनको सिंबल पे हाँ करनी चाहिए थी। जब पार्टी की हफ्ते पहले मीटिंग होती है उसमें ये मना करते हैं, अभी सिंबल पे नहीं लड़वाना, और अब कह रहे हैं भी कांग्रेस का सिंबल पे, ये कांग्रेस का समर्पित कैंडिडेट है। कांग्रेस का समर्पित कैंडिडेट डॉक्टर अशोक तंवर जी जिसको कहते, हाईकमान जिसको कहती, वो होता। कांग्रेस ने सिंबल पे चुनाव लड़ना, क्या भूपेंद्र हुड्डा डिसाइड नहीं कर सकते क्या हरियाणा कांग्रेस की? ऐसे तो कैसे करेंगे, जो कांग्रेस हाईकमान ने एक हफ्ते पहले जो फैसला ले लिया, एक चीज का एक फैसला हो गया, उसको बारी बारी कोई हाईकमान के खिलाफ जाके, कोई भी नेता हाईकमान से बड़ा नहीं है, कोई भी नेता उसको नहीं पढ़ सकता। हुड्डा साहब, ये क्या लड़ाई है सर? आप कहते हैं भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े नेता हैं, कुलदीप सोनी पैनल पर कहते हैं कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वाभाविक तौर पर वो सबसे बड़े नेता हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी है, उन्हीं का अधिकार है कि किसको समर्थन देना है। देखिए, पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी के सबसे कद्दावर और सबसे बड़े नेता मानते हैं। उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार आपके वीडियो आपके उसके में टीवी के उस पर भी नहीं सर कहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। आज सुन लीजिए, रथ यात्रा को लेकर कहते हैं हरियाणा कांग्रेस की यात्रा नहीं। सुन लीजिए हुड्डा साहब, रथ यात्रा को लेकर अशोक तंवर कहते हैं हरियाणा कांग्रेस की यात्रा नहीं। भूपेंद्र हुड्डा जिस उम्मीदवार को समर्थन देते हैं उसको लेकर कहते हैं हरियाणा कांग्रेस का समर्थन नहीं। खुद मेरे ही इंटरव्यू में उनकी ओर से कहा गया कि 10 साल में अगर विकास भूपेंद्र हुड्डा करते तो एक बार फिर से सरकार में कांग्रेस आती। आप कहते हैं कि वो नेता मानते हैं भूपेंद्र हुड्डा को। देखिए, 10 साल में जो काम हुआ था उसकी वजह से आज लोग उनको दोबारा याद करते हैं। लोगों की छोड़ी है सर, लेकिन आपने कहा कि अशोक तंवर खुद उनको बड़ा नेता मानते हैं। आप उनकी वीडियो देखिएगा, बरवाड़ा की वीडियो देखिएगा, लाखों लोग उनकी सभाओं में आ रहे हैं। अगर वो कद्दावर नेता ना होते तो अशोक तंवर को समझाइए ना, ये अशोक तंवर को बात समझाइए। भीड़ का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते और उसकी वजह से पूरे प्रदेश में माहौल बन रहा है कांग्रेस का। तो मैं समझता हूँ कि इस पर इस मामले में ज्यादा विवाद निकलना चाहिए। हाँ। जो हमने फैसला किया है भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में वो बिल्कुल ठीक किया है और हम बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकेंगे जी। वरना अगर हम चुनाव नहीं लड़ते तो बीजेपी आ सकती थी आगे। अच्छा, लेकिन रोहतक के अंदर निश्चित तौर पर हम इस चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। कुलदीप सोनी साहब, फिर अशोक तंवर क्या चाहते हैं, बीजेपी जीत जाए? नहीं, अशोक तंवर जी तो कभी नहीं चाहते। अशोक तंवर जी जो चाहते थे कांग्रेस पार्टी सातों की सातों सीटें जीते, इस बात को ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस समर्पित उम्मीदवार करके ही पार्टी जीत रही है। भाई, जब कांग्रेस समर्पित उम्मीदवार देना ही था तो पार्टी का जब दिल्ली में मीटिंग हुई, हाईकमान ने जब मीटिंग में बैठे तो ये कहना चाहिए था भाई सिंबल पे चुनाव लड़ो, सब मिलके चुनाव लड़ते। और आज कांग्रेस पार्टी के सारे सातों के सातों कैंडिडेट आज हरियाणा के अंदर जीतते, हर तरफ कांग्रेस की लहर है और माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, तो अब ये एक हफ्ते के अंदर कैसे पासा पलटा है ये समझ नहीं आ रहा। रविंद्र ढोल साहब, ये पूरी तरह से लड़ाई पैनल पर भी खुलकर सामने आ जाती है। कृष्णमूर्ति हुड्डा कहते हैं हुड्डा साहब सबसे बड़े नेता हैं, कुलदीप सोनी कहते हैं कि अशोक तंवर सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन दिलचस्प बात ये है ना विधायक अशोक तंवर के साथ नजर आते हैं ना कोई बड़ा नेता उनके साथ नजर आता है। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट सामने, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यही सारे चारों तरफ जो कॉन्ट्रडिक्शन, इनके तीन जो नेता है यहाँ पर बैठे हैं, सबके दो, एक जो जुड़े थे दो यहाँ बैठे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन सामने है। अशोक तंवर जी का कहना है, मतलब कि कुलदीप सोनी जी का कहना है कि अगर सिंबल पे लड़ते तो फायदा होता है, रैना जी कहते हैं सिंबल पे ना लड़के कांग्रेस को फायदा होता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले तो कांग्रेस इस चीज को डिसाइड कर ले कि सिंबल पे लड़ने से फायदा है या सिंबल पे ना लड़ने से फायदा है। पहली बात। और दूसरी चीज, यदि सिंबल पे नहीं लड़ रही है तो कांग्रेस, तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये आता है, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से अथवा कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऐसे लोगों को समर्थन किया गया है, कांग्रेस समर्थित जिन्हें कहा जा सके? यदि नहीं कहा गया, नहीं किया गया है, तो रूडा साहब यदि किसी व्यक्ति को खड़ा करते हैं तो उससे प्रदेश अध्यक्ष को कोई समस्या क्यों होनी चाहिए? मैं ये समझ नहीं आ रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, या तो अशोक तंवर जी ने वहां पर अपना कोई अशोक समर्थित कैंडिडेट खड़ा किया, यदि नहीं किया है तो उनको ये समस्या कहां से आ रही है? पहले तो ये समस्या को ही पहले ये सुलटा ले बैठ करके कि कौन कांग्रेसी है और कौन नहीं। बिल्कुल विजय रैना जी, एक दूसरे को रोकने की, एक दूसरे को हराने की ही लड़ाई है सर, जो लगता है। देखिए, ये पॉलिटिक्स हमेशा एक दूसरे को लड़ाने और जीतने की ही लड़ाई होती है, और ये लड़ाई बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस खेल रही है। चाहे हमारे अशोक तंवर जी साइकिल यात्रा करके जनसलाब को इकट्ठा कर रहे हैं,
चाहे हुड्डा साहब रथ यात्रा से कर रहे हैं, हर नेता अपने अपने हिसाब से हरियाणा में राज्य में अपना प्रभाव बना रहा है जिसका आने वाले समय में फायदा होगा। रैना साहब रथ यात्रा भी व्यक्तिगत कार्यक्रम ही बताया अशोक तंवर। देखिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह देते हैं कि हरियाणा कांग्रेस का कार्यक्रम ही नहीं है, उसके बाद आप ये भी कह देते हैं। मेरा ये मानना है जहाँ पे जन सैलाब है वो कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं होता। व्यक्तिगत कार्यक्रम में 200-400-500 हजार लोग होते हैं, यहाँ पे लाखों में लोग होते हैं, वो व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं होता। इस चीज को हाईकमान भी अंडरस्टैंड करती है कि हर नेता अपने अपने हिसाब से कांग्रेस को और बलशाली बनाने के लिए अपनी जगह पे अपने डेजिग्नेटेड एरिया में काम कर रहा है। और किसी भी तरह से आप एक मिनट आप मुझे फिनिश करने दीजिए, लेट मी फिनिश वन सेकंड। और आप देखेंगे किसी भी तरह से आपने अगर उनको किसी हुड्डा साहब को भी अभी जोड़ा था कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी को, उन्होंने भी कोई नेगेटिव कोई चीज तंवर साहब के लिए नहीं बोली है। तो किसी तरह की कोई गुटबाजी के ऊपर मैं कोई बयान नहीं करता, ना कोई गुटबाजी है। और जो बात है डोल साहब पे बोलना चाहूंगा, जो कही गई आपके नेताओं की ओर से उसको लेकर हम चर्चा, मैं डोल साहब को बताना चाहूंगा, एक हरियाणा में कहावत है बोला छात तो बोले छालनी भी बोले, ये भी हमारे ऊपर बोल रहे हैं जिनकी पार्टी के दो फाड़ हो चुके हैं। इनेलो का आज हरियाणा के अंदर कोई वजूद नहीं है, हरियाणा के अंदर इनेलो का आज के टाइम में कोई वजूद नहीं है। इनका जो इनेलो का करनाल में जो विधानसभा का चुनाव इनकी टिकट पे लड़ा था उसने इनकी टिकट लेने से मना कर दिया, ये उसके समर्थन में जाके खड़े हुए। बदवादी कोई इनेलो के चिन्ह पे नहीं लड़ रहे चुनाव, आपके पार्टी के नेता आपके जो है चुनाव चिन्ह नहीं दे रहे, उनको पता है इनेलो का गांव में तो पार्टी ने कि अगर कोई उतारता है या कोई उस तरह का समर्थन करता है तो ये व्यक्तिगत समर्थन। तो हरियाणा कांग्रेस सिंबल पर नगर निगम के चुनाव नहीं लड़ रखी है, ये डिसाइड हो चुका था। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में मेयर पद के उम्मीदवार को समर्थन देते हैं, ये हरियाणा कांग्रेस का समर्थन है या फिर नहीं, इसको लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। लेकिन सोनी साहब, जब सारे नेता की ये कहें उनके पक्ष के कि ये कांग्रेस का समर्थन है, आनंद सिंह दांगी इतना तक कह दें कि हुड्डा मतलब हरियाणा कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस मतलब हुड्डा, उसके बाद भी अशोक तंवर ये कहते हैं कि ये हरियाणा कांग्रेस का समर्थन है प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते। प्रदेशाध्यक्ष कैसे हाईकमान के फैसले को चैलेंज करेंगे? हाईकमान ने हफ्ते पहले फैसला लिया है कि कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़वाएगी। और कांग्रेस का तो सिंबल ही है, हाथ का निशान ही कांग्रेस है, जहां हाथ का निशान होगा वहां कांग्रेस है। व्यक्ति विशेष कोई किसी को समर्थन दे सकता है, जहां हाथ का निशान होगा वहीं कांग्रेस है। और कांग्रेस पार्टी ने हाथ के निशान पे चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया है। और हरियाणा के सारे नेताओं ने शीर्ष नेताओं ने बैठ के ये फैसला लिया है। क्या किसी को समर्थन भी नहीं देगी हरियाणा कांग्रेस, ऐसा है क्या? नहीं, अभी तो आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, हम देखेंगे किसकी कौन कांग्रेस की छवि का है, कौन इन जातिवादी ताकतों से लड़ने में समक्ष है, कौन सीट निकालेगा, सारी चीज उसकी अभी आ रहे हैं लोग कांग्रेस पार्टी के पास भी, आप हमें समर्थन दें। देखते हैं, अभी तो समय है, दो चार दिन में पता लगेगा किस किस को कहां पार्टी समर्थन करेगी। राजेश गौड़ जी, पूरी ही चर्चा में अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं कि हरियाणा कांग्रेस का समर्थन इसे क्यों ना माना जाए जो भूपेंद्र हुड्डा की ओर से समर्थन दिया गया। देखिए, अगर इस पूरी चर्चा को जो सोनी साहब ने कही या कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने कही, अगर इस पूरी चर्चा को देखें तो दो तीन बातें सामने आती हैं कि कांग्रेस में अध्यक्ष प्रणाली नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो अध्यक्ष फैसला ले या अध्यक्ष जिस बात को रखे उस पर कोई भी निर्णय नहीं ले आता, उसको कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। जो भी वहाँ का स्थानीय नेता है, जैसे अगर हुड्डा साहब हैं, अगर वो रोहतक से हैं तो वहाँ पर राजीव गोगलानी जी को ना देकर जो आगे थे वो सीताराम सचदेवा जी को समर्थन दिया जाता है, उनके लिए काम किया जाता है। और मुझे लगता है ऐसे ही आने वाले टाइम में जब भिवानी के होंगे तो किरण चौधरी जी को पूछा जाएगा, यमुनानगर के टाइम हुए तो कुंवारी शैलजा जी को पूछा गया, और ऐसे ही हिसार के समय तो कुलदीप बिश्नोई जी को पूछा गया। कहने का मतलब ये हुआ, संगठन नाम की चीज़ जो कांग्रेस में ना बसती ना है, सिर्फ बात यह है कि आप किसके ज़्यादा प्रिय हैं उन्हीं को आज प्रमोट किया जाता है। मेरा तो यही कहना है, इनकी सारी बातचीत से यही निकल कर आता है। सोनी साहब,
अशोक तंवर पर यह भी बाकी लोग आरोप लगाते रखे आपकी कांग्रेस के बड़े नेता कि संगठनात्मक ढांचे को मजबूत नहीं कर पाए, कार्यकारिणी ही गठित नहीं कर पाए अशोक तंवर, और ये भी एक कारण रहा जिसको बैठक में उठाया गया इस फैक्टर को भी कि अभी तक संगठनात्मक ढांचा कमजोर है, सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे तो नुकसान होगा। जो बिना संगठनात्मक ढांचे के आप बताइए, करनाल के अंदर अभी हमने लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी करके रैली करी, आज प्रदेश के अंदर डॉक्टर अशोक तंवर जी साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं और हजारों लाखों लोग सबसे मजबूत होती सरकार से जाती ही नहीं, हजारों लाखों लोग आज डॉक्टर अशोक तंवर जी का पूरे प्रदेश में समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो संगठन बनने की बात है, इसके लिए भी डॉक्टर अशोक तंवर जी ने हाईकमान में अपना दिया हुआ है, जब हाईकमान वो फैसला लेगा, अभी हमारे प्रभारी लगने हैं पीछे, अभी हमारे प्रदेश के जो है ना प्रभारी नहीं है, प्रभारी लगेंगे तो संगठन के जो हमारे जिले के अध्यक्ष है, ब्लॉक की कार्यकारिणी है, वो भी बनेगी और सब काम बड़ा सुचारू रूप से चल रहा है। और आज अगर बिना संगठन के भी कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है तो संगठन होने के बाद तो आप देखिए हरियाणा के अंदर बीजेपी रहने वाले तो कहीं दिखनी नहीं। आज जो ये जो कार्यकारिणी गठित नहीं कम से कम इनकी बातों से पता तो लग गया करनाल में कोई रैली हुई थी। खैर अब आगे चलते हैं, यहाँ पर बात यहाँ पर जब हम यहाँ पर चुनावों के बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं, आप देखिए लोकसभा चुनाव कुल मिलाकर के 4 या 5 महीने दूर है और विधानसभा कुल 11 महीने दूर है। 2013 से अभी तक यदि आप जिला प्रधान तक नहीं बना पाए हैं तो संगठन तो क्या है संगठन, हमारी चिंता मत करो, आपके तो युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाग गए, कुछ भाग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ताजा ताजा जखम है इनेलो तो खास तौर पर ना बोले, अभी संगठन का आपका प्रदेश अध्यक्ष आपके भाग रहे हैं, युवा के आपके जिला अध्यक्ष आपके भाग रहे हैं, आप आज कांग्रेस देश के अंदर प्रशंसा कर रहा था, मैं जनता को बता रहा था करनाल मेरे लिए हुई थी, बताओ हमारी बात को कर रहे हैं, अरे कम से कम जनता को बता तो रहा था करनाल मेरे लिए, कैसी बात कर रहे हैं। जो है प्रभारी साहब जब लगेंगे अभी बड़ी जल्दी हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी, 4 साल तो अशोक तंवर जी को हो चुके हैं, अभी प्रभारी साहब अभी तो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी, फिर आप कह देते हैं हम तो बिना ही संगठन के मजबूत हैं, कहते हैं कि मजबूत है पार्टी अभी मजबूती कर रहे हैं। अब आप ये देखिए अभी अभी पार्टी इतनी मजबूत है संगठन बनने के बाद, तो आज हरियाणा के अंदर जो लहर चली हुई है वो डॉक्टर अशोक तंवर जी की मेहनत से चली हुई है। मैं आपको अभी एक बात कह रहा था कि जो आदमी जिसका प्रिय है उसी की बात करेगा, आप सोनी जी पिछले आधे घंटे से डॉक्टर अशोक तंवर जी की बात कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात ही नहीं बताई, वो कैसे और क्या कार्य कर रहा, कैसा काम किया, आज का समय आप इसी बात से लगा लो अंदाजा, क्या दिक्कत है डॉक्टर अशोक तंवर का नाम संगठन के अंदर, संगठन आपकी चीज नहीं है, व्यक्ति विषय मेरे अध्यक्ष है, सिर्फ व्यक्ति की परिक्रमा करो और कांग्रेस में नाम गवाओ, बस मोदी मोदी क्यों कर रहे हैं, संगठन की बात ही नहीं है, संगठन की बात ही नहीं है, पूरे देश की करते हैं भाजपा की बात करते हैं, अगर किसी भी तरह का क्या बात कर रहे हो, आपके पास अपने कैंडिडेट और संगठन को लेकर आ रहा है, हमें कैंडिडेट कर रहे नहीं, 6-6 लोग कृषिभूमि के कैंडिडेट को ले रहे हैं, इनके संगठन में 6-6 लोगों ने खड़े किए हरियाणा को बांट रखा है, सरकार जो जिस जिले में वो उस जिले की बात करता है, सोनी जी बात कर रहे हैं, संगठन संगठन की चीज नहीं है, बीजेपी को खासतौर पर करीब है, ये जिसके करीब है सोनी जी, सर आप उसी की बातचीत करते हैं, एक चीज नहीं है कांग्रेस संगठन की, आप कांग्रेस की चिंता ना करो, कांग्रेस आप चिंता नहीं, आपके बारे में चर्चा है, आपके बारे में चर्चा है, चर्चा खुद ही बोल रहे हमारी है, खुद ही बोल अपनी चिंता करो, अशोक तंवर का दूसरे नाम कांग्रेस है, उदय से दूसरे कांग्रेस के लीडर कहते हैं हुड्डा साहब का दूसरा कांग्रेस है, आप मेरे संगठन की तीसरा चौथा है, तो आप अपनी चिंता क्यों, आपके भी संबंध में लिख रहे हैं कांग्रेस के बारे में ही नगर निगम के चुनाव को लेकर इस तरह की बयानबाजी है, तो आने वाले समय में कांग्रेस का क्या हाल होगा। देखिए कांग्रेस के आलाकमान के स्तर पर एक प्रभारी की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत लंबे समय से प्रभारी नहीं है, कमलनाथ जी थे वो चले गए मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने, अब प्रभारी नहीं होने से तमाम जो गुटों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन जो प्रभारी करते हैं वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा। अब देखिए कि अगर किसी ने प्रदेश अध्यक्ष ने अपने स्तर पर घोषणा कर दी कि हम सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, दूसरे ग्रुप ने कह दिया कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये प्रभारी का काम था कि वो सभी को विश्वास में लेके और आला कमान को अवगत कराते हुए और फिर एक फैसला करवाते कि किस तरह से लड़ना है। अब देखिए अलग अलग उम्मीदवारों को अगर समर्थन दिया जा रहा है तो ये फैसला भी किया जा सकता था कि पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी लेकिन जिताए हुए उम्मीदवारों को समर्थन देगी, क्या दिक्कत थी, अगर नीतिगत फैसला हो जाता तो ये फैसला हो ही जाता कि रोहतक में जहां हुड्डा साहब का है
तो भाई उन्होंने समर्थन कर दिया, जहां तंवर साहब का था वहां वो समर्थन करते, जहां शैलजा जी का था वहां वो समर्थन करती, तो आखिर में ये नीतिगत फैसला क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल ये बिखराव और ये जो अराजकता है पार्टी के अंदर, इसके लिए तो आलाकमानी जिम्मेदार है, उनको देखना चाहिए कि क्यों हो रहा है। और इससे टकराव बढ़ता है, एक जो है नीतिगत फैसले और मतभेद भी हैं, अगर मनभेद नहीं भी है तो मतभेद भी कई बार मनभेद में बदल जाते हैं और धाराएं ऐसा दिखता है कि पार्टी में बिखराव है, तो ये देखने की बात थी। तो इसमें नीतिगत फैसले नहीं हो पा रहे और प्रभारी की बड़ी कमी है, और ये भी ठीक है कि संगठन का ढांचा जिला स्तर तक पहुंचाया जाना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाया। विजय राणा जी बोले। राजेंद्र जी मैं आपको एक चीज बता दूं, पार्टी के अंदर कोई भी टकराव या पार्टी के अंदर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, हर पार्टी का गद्दावर नेता अपने अपने इलाके में पूरी मेहनत से काम कर रहा है, जिसका आप हर टीवी चैनल पे आने वाले पिछले दिनों में आप देख चुके हैं जिसको, और जहां तक आज के टॉपिक की डिस्कशन की बात है, नहीं एक मिनट, दर्शक सब जानते हैं सर, क्या क्या याद नहीं हरियाणा की जनता को, क्या बताइए? 6 अक्टूबर 2016 का वो दिन याद नहीं जब अशोक तंवर पर लाठी डंडों से हमला किया जाता है, उसमें शिंदे कमेटी का गठन किया जाता है, कांग्रेस के ही कई नेता नामजद हुए थे उस मामले में, देखिए उसके बाद अशोक तंवर की ओर से क्या कुछ नहीं कहा गया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कोई लेना देना नहीं है, अगर किसी भीड़ में कोई उपद्रव ऐसा कर लेते हैं, हाउ यू कैन लिंक इट, अशोक तंवर ने अपने इंटरव्यू में हर बार कहा दिस इज रॉन्ग एंड दैट इज नॉट द टॉपिक, सॉरी सॉरी आई विल नॉट टेक इट, दैट्स मैं बयानों का हवाला देकर बात करती हूं, दैट्स नॉट द टॉपिक, मैं बयानों का हवाला देकर बात करती हूं, उसके बाद आप पैनल पर, और जहां तक पार्टी के हमारे आलाकमान की बात है, आलाकमान की सहमत से ही हमने ये डिसाइड किया कि हम चिन्ह पे नहीं लड़ेंगे, और आने वाले समय में उसका उस रणनीति का कितना फायदा होगा आप सब देखेंगे, ना बीजेपी टिक पाएगी हमारी इस रणनीति के आगे, ना इनेलो टिक पाएगी, आने वाला समय वेट एंड वॉच, आपस में एकजुट होकर भी चलना होगा सोनी साहब, नहीं एकजुट होकर चलेंगे कोई बात नहीं, ये चुनाव जो है हरियाणा के अंदर शहरी चुनाव है, जो ये मेयर का चुनाव है, और शहर के अंदर ज़्यादातर व्यापारी रहते हैं, और व्यापारी जो है इस चुनाव में, क्योंकि व्यापारी का GST और नोटबंदी के बाद से व्यापारी का ऐसे ऐसे व्यापारी है जिनका सुबह से शाम तक खाता नहीं खुल रहा, और ये व्यापारी अब बीजेपी को दिखा देंगे कि इनका खाता प्रॉपर तरीके से कैसे बंद करना है, हरियाणा के व्यापारी हरियाणा की जनता इनको दिखाएगी कि किस तरीके से GST और नोटबंदी ने व्यापारियों का बिल्कुल पूरा का पूरा जो है कारोबार ठप कर दिया है। बीजेपी तो फिर भी सिंपल पर लड़ रही है सर, अगर आपको लगता है कि बीजेपी के साथ लोग नहीं, तो अभी आपको पता लग जाएगा, अभी थोड़े दिनों में पता लग जाएगा, चुनावी मैदान में मैं आपको ज्योति जी ये बताना चाहता हूँ, बीजेपी सिंबल पे तो लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के जितने कैंडिडेट है, एक यमुनानगर के कैंडिडेट को छोड़ के चारों कैंडिडेट कांग्रेस की पृष्ठभूमि के कैंडिडेट है, इनके पास अपने चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता, पता करो आपको, आप पता करो मोहन गोयल जी के बारे में, मदन चौहान जी यमुनानगर सबसे पुराने कार्यकर्ता है, आपकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है? अगर अगर किसी व्यक्ति ने चार साल पहले आकर भाजपा ज्वाइन करी और भाजपा को टिकट है, ठीक है मांगे उसको मिलेगी, अगर आप तब एक दिन पहले आता ऐसा सोनी जी, अगर एक दिन पहले महीना पहले आता ना तो आपकी बात जायज थी, अगर कोई चार साल पहले आकर पार्टी में जो भी आता है उसकी इच्छा होती है, टिकट मांगे उसको टिकट मिले, आपका मुद्दा है ही नहीं, आप विषय में नहीं आ रहे, आपके विषय में नहीं आ रहे, आप सिंपल बोलो, संगठन की बात हो रही है, व्यापारियों के बाद में एक बात और बताना चाहता हूँ, इनके मुख्यमंत्री जी ने GST के ऊपर कहा था मनोहर लाल जी ने कि जो कपड़ा व्यापारी है सारे के सारे टैक्स चोर है, सिर्फ अपनी बात रखने से नोटबंदी में बोले, GST में बोले, अभी ये व्यापारी बोले मैं खुद व्यापारी था कपड़े का, और ये जो है जितने व्यापारी ये सारी बातें उन्होंने बोली, ये सारी बात समाज तो रहता है, मैं भी व्यापारी था, हरियाणा की जनता आपके कहने से नहीं होता, हरियाणा की जनता आप नहीं डिसाइड करोगे सोनी जी, आप डिसाइड नहीं करोगे क्या करना है, चुनाव आप सिर्फ पार्टी बोलने पर बोल रहे मुझसे सोनी जी, आप कुछ नहीं होने वाला, भटक रहे ना आप, फैक्ट्स ऑफ फिगर्स पर बात कर रहे हैं सोनी साहब, आपकी कांग्रेस के बारे में ही कितनी बातें कर लीजिए सर, विषय है आज ही, रविंद्र ढोल साहब कांग्रेस के सिंबल पर हर बार चुनाव ना लड़ने के पीछे क्या कारण देखते हैं?
देखिए, अगर पंजाब के अंदर सिंबल के ऊपर लड़ने के कारण है, हरियाणा के पास में इनके सिंबल पे ना लड़ने के कारण है। कारण तो बनाए जा सकते हैं, कारण बनाना कहाँ मुश्किल होता है। यहाँ भी कह सकते हैं सिंबल पे लड़ने से फायदा होगा, एक ये कह सकते हैं सिंबल पे ना लड़ने से फायदा होगा। फायदे तो अलग अलग प्रकार के, लेकिन जो बेसिक जो इनका काम है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी ऐसा कैंडिडेट जो कि सिंबल पे इलेक्ट नहीं होगा, उसके पीछे कांग्रेस की थप्पी लगा करके उसे कांग्रेसी बताने का। डोन साहब, आप मान रहे हो ना कि आपके और बीजेपी के कोई कैंडिडेट नहीं जीतेंगे? अरे बिना तो आप लोगों के निशान के बिना जीतेंगे, उसमें कांग्रेस अपना निशान लगाएगी? आप मान रहे हो ना भाई, आप लोगों ने तो समर्थन कर दिया भाई, आपके कोई कैंडिडेट नहीं जीत रहे। आप ये दूसरी बार बोल रहे हो डोन साहब कि कांग्रेस पार्टी अपना बैक से पीछे हाथ लगाएगी। हाथ तो उसी को लगाएगी जो आपका और बीजेपी का कैंडिडेट चुनाव में नहीं जीतेगा, नया कैंडिडेट जीतेगा उसी वो जितने के सारे के सारे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ही जीतेंगे। मान आपने भी लिया। अरे मैं ये कह रहा हूँ, इसके अलावा आपने किया क्या? जो भी जीते हो कि कांग्रेस के ये कांग्रेस की है। डोल साहब भी मान रहे हैं, कह रहा हूँ जो जीतेगा उसे कांग्रेस ही बताने का काम किया जाएगा। सुन लीजिए सर, पहले जो भी जीतेगा, ये कहा मैंने, कहा जो भी जीतेगा उसे कांग्रेस ही बताने का काम किया जाएगा। जो बीजेपी के चिन्ह पे जीते, हम कैसे उसको, हम उसको कैसे अपना बता देंगे? बीजेपी के चिन्ह पे, इनके चिन्ह पे जो मेयर भी आपका मेयर भी है, पार्षद भी है हरियाणा में, सिंबल के ऊपर लड़ रहा है, केवल मेयर का चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आप पर आप, सर, आप, तो आप बहुत समर्थन दे रहे हो ना, तो मेरी आप उसको समर्थन दे रहे हो ना, इसका मतलब वो आपसे भागेंगे? कौन भागेंगे? जीतने के बाद आप कह रहे हो ना भी हमारे, हम मैंने कब कहा आप समर्थन देने के बाद वो भागेंगे? निर्दलीय जो भी जीत जाएंगे उसके साथ आप लोग जाकर खड़े हो जाएंगे, ये कहा है मैंने? इसके अलावा कुछ नहीं कहा। इसमें क्या संशय है? कुल मिलाकर इतना बताइए, अशोक तंवर साहब की ओर से कहा गया कि हाईकमान को ये बात बताएंगे कि भूपेंद्र हुड्डा इस तरह से समर्थन दे रखे, क्या उम्मीद है उस पर कभी हाईकमान संज्ञान लेगा इन बातों पर? वो तो हाईकमान ने देखना है जी, हाईकमान का फैसला हाईकमान करते हैं, मेरे जैसा कोई मीडिया पर भारी या अशोक तंवर पिक्चर में कहा है फिर? भूपेंद्र हुड्डा को जो करना है वो कर लेते हैं, हाईकमान को जो करना है वो कर लेते हैं। अशोक तंवर हरियाणा के अध्यक्ष है, अशोक तंवर हरियाणा के अध्यक्ष है, अशोक तंवर की अध्यक्षता में सब कुछ हो रहा है आज हरियाणा में। कल 32 पैनलिस्ट की, मीडिया पैनलिस्ट की लिस्ट आई, अशोक तंवर जी ने निकाली हरियाणा के अंदर, और आगे जितनी भी लिस्टें आनी है, आगे विधानसभा चुनाव में भी टिकटें डॉक्टर अशोक तंवर के साइन से ही बटनी है, लोकसभा चुनाव में भी डॉक्टर अशोक तंवर के साइन से टिकटें बटनी है, और डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में चुनाव होना है। जाधव साहब देखिए, अब ये तो हाईकमान को तय करना है कि किस तरह से अध्यक्ष के हस्ताक्षर इस्तेमाल करने हैं, या उनकी राय को भी तवज्जो देनी है। अब अभी तक तो ये साफ 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 दिखाई दे रहा है कि उनकी जो राय थी कि सिंबल पर चुनाव लड़ने की, उसको कोई इंपोर्टेंस नहीं मिला। हाईकमान ने जो है कमेटी गठित कर दी और एक फैसले से जाकू साहब को ये नहीं हो जाता कि हाईकमान उनकी नहीं मानता, हाईकमान ने उनको अध्यक्ष बना रखा है, हाईकमान ने उनको अध्यक्ष बना रखा है 4.5 साल से बड़ी मजबूती से बड़े चुनाव में क्या फैसला होगा फिर, जब छोटे चुनाव में ये स्थिति हो गई है? बड़े चुनाव में तो पार्टी हमेशा सिंबल पे लड़ती है, फैसले वाली क्या बात है? ये नया मुद्दा था पार्टी में, सिंबल पे लड़ना है नहीं लड़ना, हमेशा पार्टी बड़े चुनाव में तो लड़ती है और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ना चुनाव तो जो आज ये कांग्रेस के नेता करते रहे कि ये जो है केंद्रीय सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बनती है वो फैसला करती है, इसमें अध्यक्ष जी का वो साइन ही करवाएंगे बस। वो मुझे लगता है कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जो सिंबल लेटर दिया जाएगा उस पर साइन ही करवाए जाएंगे। ओपिनियन क्या है कि सरकार वहां फैसला करती है, पूरा सबका जो है उनके पास प्रोफाइल पहुंच जाता है और उनको जिसको देना होता है उसी को देते हैं। इसमें गलत चीज क्या है सर? गलत ये है कि गलत कुछ भी नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन है संगठन। आप किसे आप डिसेंट्रलाइज करके चलाते हो तो? या पावर को जो है सेंट्रलाइज करके चलाते हो, ये एक सिस्टम की बात है। सर, ये तो गलत और सही का फैसला सक्सेस इट इज अ कॉम्बिनेशन। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, एक आदमी पे डिपेंड नहीं करती, सबकी राय लेके पार्टी चलती है। पार्टी का नीचे से कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक सब नेताओं की पार्टी राय लेके काम करती है। भूपेंद्र हुड्डा साहब, अशोक तंवर से ढोल साहब समर्थन राय नकी लेते हैं जब समर्थन देना होता है, सोनी साहब कहते हैं सबकी राय लेते हैं, अशोक तंवर की राय भी नकी ली गई, पूछना तो बहुत दूर की बात है। रविंद्र भाई साहब, यही तो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर जो इनकी नीति और रणनीति सामने आ रही है, जिसे अपना रणनीति कहने का काम कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पे मीडिया के सामने कहा जा रहा है कि हमसे पूछा नहीं गया, ये हमारा कैंडिडेट नहीं है।
बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि कैंडिडेट नहीं है, निजी फैसला है ना जी, तो फिर सबकी राय का है, वो कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, अगर वो कांग्रेस के कैंडिडेट होता तो राय लेते, चुनाव हो रहा चुनाव लड़ते तो राय लेनी पड़ती, फिर बीच में कांग्रेस पार्टी डिबेट नहीं कर रही है, बाकी प्रवक्ताओं को भी अपनी राय, सोनी साहब डिबेट नहीं करने दे रहे हैं, ये इस बात को समझ नहीं रहे, अगर 10 साल के अपने मुख्यमंत्री को इस प्रकार से दरकिनार करने का काम कर रहे हैं, तो मैं तो समझ नहीं आ रहा किस प्रकार से पार्टी चल रही है। ये भी अशोक तंवर जी, कमाल देखिए आप, कितना उनका राजनीति का एक्सपीरियंस है, कम से कम उसके हिसाब से तो बात कीजिए ना, तो ये पता क्या नहीं कैसी बात करते हैं। अशोक तंवर जी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, ऑल इंडिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सीनियरिटी भी कोई चीज होती है श्रीमान जी, राय शुमारी तो करनी पड़ेगी आपको अपने सीनियर नेताओं से, कैसे नहीं करेंगे, आपसे राय थोड़ी लेनी हमने, राय शुमारी हमारी दिल्ली आई, आप तो कह रहे हैं राय नहीं ली, ये तो स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि नहीं ली। अभी कुलदीप सोनी जी ने एक बात कही कि हमने जितनी प्रवक्ताओं की लिस्ट या दूसरी लिस्ट, वो अशोक तंवर, डॉक्टर अशोक तंवर जी निकाली या कुछ भी पैनलिस्ट की निकाली या कुछ भी निकाली, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर अशोक तंवर ने रायशुमारी नहीं ली संगठन में, संगठन का थोड़ा फैसला था ये, फिर तो अध्यक्ष का फैसला था, इसका मतलब क्या हुआ कि संगठन आपकी टीम नहीं है, बने रखने के लिए वक्त देने के लिए बड़ी बात में बड़ी बहस की नगर निगम चुनाव में हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। रोहतक में और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस है तो भूपिंदर सिंह ये अगर कोई उतारता है या कोई उस तरह का समर्थन करता है तो ये व्यक्तिगत समर्थन है।